पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार झेल चुके कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता इन दिनों बैकफुट पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेश पर पार्टी के प्रदेश मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके बाद अब पंजाब में नए पीसीसी चीफ के लिए माथापच्ची शुरू हो गई है। इसी क्रम में सोनिया गांधी ने दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में पंजाब के सांसदों के साथ बैठक की है। आपको बता दें, कांग्रेस आलाकमान का बड़ा कदम कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद आया, जहां सीधे तौर पर पांच राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है। पांचों राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों का इस्तीफा माना गया। सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इस्तीफे की पेशकश की। आपको बता दें, सिद्धू ने अपने इस्तीफे में महज 15 शब्द लिखे हैं। इसमें पंजाब में मिली चुनावी हार का कोई जिक्र नहीं किया गया है। सिद्धू लिखते हैं, टू द प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, रिस्पेक्टेड मैम, I hereby resign as president. Sincerely, Sidhu. नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की तस्वीर आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। इस्तीफे की पेशकश करते हुए सिद्धू सीधे तौर पर लिखते हैं, As desired by the Congress president, I have sent my resignation. सिद्धू का कहना है, जिस तरह कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा मांगा, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी भी ली थी। ठीक इसी तरह यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अजय कुमार लल्लू ने भी इस्तीफा दिया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की तल्खी उनके ट्वीट में भी इस बार साफ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।